मेहंदीपुर बालाजी बाईपास पर स्थित सूर्य महल गार्डन में आयोजित हुआ पिपर बंधुओं का महाकुंभ। 6 से 7 जिलों के हजारों पिपर बंधु आयोजन में हुए शामिल। समाज के बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी आरक्षण को लेकर बोले, हम अन्य समाज के आरक्षण के खिलाफ नहीं, हमें सिर्फ हमारे हक का आरक्षण चाहिए। पूर्व मंत्री रघु शर्मा बोले, समाज के लोग एप्लीकेशन लिखकर दें, सामाजिक कार्यों के लिए 5% DLC दर पर भूमि उपलब्ध कराएगी सरकार। वीरांगनाओं की मांग को लेकर चल रहे धरने पर बोलने से बचे कांग्रेस नेता। विप्र बंधुओं को संबोधित करते हुए आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज ने आरक्षण की मांग की, शुरुआत सबसे पहले सीकर जिले से की थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अनुचित जाति, अनजाति, OBC और SBC के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हमें सिर्फ हमारा आरक्षण चाहिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए आरक्षण चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंदुओं में इस लड़ाई की शुरुआत राजस्थान से ब्राह्मण समाज ने शुरू की है। मणिपुर जी ने ऐसा बातें रखी है और यहाँ का बहुत से हमारे मित्र और छोटे भाई और नेता उपस्थित है, मैं उन सबका नाम लूँ तो आपको सबको समय लगेगा। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सबसे पहले मैं केवल सबसे हमारे में वरिष्ठ और राजनीति में भी वरिष्ठ और आयु में भी वरिष्ठ और ज्ञान में भी वरिष्ठ पंडित राम किशन जी को प्रणाम करके अपना काम प्रारंभ करता हूँ ताकि सबको प्रणाम मान लिया जाए। मैं 3 बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हम इकट्ठे क्यों हो, हर समाज पर एक जिम्मेदारी है, ब्राह्मण समाज पर जन्मजात 2 जिम्मेदारी है। हमारी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने की और दूसरी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने हमको दी है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति जो हमने पैदा की है उसके संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी। 2 हमारी